तो दोस्तों आज हम बात करेंगे HDFC AMC के स्टॉक के बारे में। HDFC AMC के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट है, रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है, हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको स्टॉक में लगातार हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली हमको यहाँ पर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन गिरावट के बाद भी स्टॉक और हमने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया और अगेन हमको यहाँ पे स्टॉक में तेज़ी ही देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पे स्टॉक में 1.37% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अगर अभी स्टॉक में और तेज़ी आती है तो यहाँ से अभी और तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 3042 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको यहाँ पर एक करेगा ध्यान, यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेज़ी एक बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगर स्टॉक ने इसको यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 3118, इसके बाद हमको यहाँ पे स्टॉक में 3209, और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 3359, इसके बाद हमको यहाँ पे स्टॉक में 3400 और 3500 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट स्टेप पर रजिस्टेंस। तो वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 2962 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 2908 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 2848 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट स्टेप पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। धन्यवाद।